उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ऑक्सीजन रिप्लाइंग के दौरान फटा सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर फटने से मची अफरा तफरी। हादसे में 10 लोग गंभीर रूप से घायल। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी। चिन्हित स्थित में कोटी ऑक्सीजन में हुआ हादसा। राहत और बचाव कार्य की सूचना मिलते ही तत्काल लखनऊ जिला अधिकारी और लखनऊ कमिश्नर पहुंचे मौके पर। लखनऊ से ब्यूरो चीफ वशिष्ठ चौबे की रिपोर्ट। सर, ये घटना हुई है जो क्या है पूरा मामला? देखिए, घटना लगभग 3:30-40 के आसपास की है, जहाँ पर गैस फिलिंग यहाँ पे होता है। केटी फिलिंग स्टेशन है यहाँ पर, और ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना रही जहाँ पर एक सिलेंडर के ब्लास्ट होने के कारण 3 लोगों के अभी हताहत होने की सूचना है और 5 व्यक्तियों के घायल होने की। सभी घायलों को तत्काल प्रभाव से चिकित्सीय इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती कराया जा चुका है और वहाँ पर उनका बेस्ट जो चिकित्सीय इलाज है वो कराया जा रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर मौके पर पूरी टीम के द्वारा जो राहत का कार्य है वो जारी है। सर, ये घटना हुई कैसे? क्या कुछ कारण पता चला अभी तक? देखिए, यहाँ पे टेक्निकल टीम भी है, CFO भी है, सभी लोग यहाँ पे हैं। उसका जो टेक्निकल टीम के द्वारा परीक्षण किया जा रहा है और जैसे कारण पता चलेगा वो भी अवगत कराया जाएगा। अभी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि जो घायल है उनको बेस्ट चिकित्सा इलाज के लिए उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है और यहाँ पे अभी राहत कार्य जारी। ये हम लोग यहाँ करीब 1.5 घंटे पहले जब सिलेंडर भरे जा रहे थे, उसी में से एक सिलेंडर में विस्फोट हो गया। उस विस्फोट से यहाँ पर जैसे अभी तक जो जानकारी मिली है, 3 लोगों की डेथ हो चुकी है। RMN उनकी बॉडी है, वो गंभीर रूप से घायल है, उसका RMN इलाज चल रहा है। 4 और सामान्य रूप से घायल है, उनको RMN को ट्रॉमा सेंटर शॉप में ले जाया गया। अभी तक ये जानकारी हम लोग के पास। ये घटना हुई कैसे? ये कौन लोग थे जो घायल हुए हैं? अभी तक जो जानकारी मिली है, वो सिलेंडर भरने में शायद ही कह रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल क्लास ने मांगी है, सिलेंडर में कुछ डिफेक्ट था। वो सामने सिलेंडर पड़ा हुआ है, जैसे आपको पता है, उसमें कुछ तंदूरी कारण घटना हुई है। और जिनके साथ घटना हुई, ज्यादा जानकारी मिली जो यहाँ के स्टाफ थे, गैस प्लांट के स्टाफ थे, जो सिलेंडर फिलिंग कर रहे थे, वही लोग ज्यादा डिटेल और मिल जाएगा आपको।